पुलवामा हमले को लेकर पूरे देश का गुस्सा फूट रहा है। हर कोई मोदी सरकार से इंतकाम का इंतजाम करने की मांग कर रहा है। देश के खौलते इस गुस्से के बीच पीएम मोदी ने भी आतंक के सरपरस्तों को सख्त चेतावनी दी है। महाराष्ट्र में कई योजनाओं का उद्घाटन करने पहुंचे पीएम मोदी ने कहा कि जिन दहशतगर्दों ने गुनाह किया है वो चाहे जितना मर्जी छिपने की कोशिश करे, उन्हें सजा जरूर दी जाएगी। उरी में हमले का जवाब सर्जिकल स्ट्राइक से देकर पीएम मोदी ने दावा किया था कि देश के दुश्मन अब सर उठाने से भी कतराएंगे, लेकिन एक बार फिर अब दहशतगर्दों ने नापाक साजिश रचकर देश को हिला दिया है, जिसके बाद देश का गुस्सा फूट पड़ा है। हर तरफ मांग उठ रही है कि अब की बार करो आखिरी प्रहार, इंसानियत के दुश्मनों का खात्मा करे मोदी सरकार। लोगों के इस आक्रोश के बीच पीएम मोदी ने एक बार फिर पाकिस्तान और आतंकवादियों को आग दिखाई है। उन्होंने कहा है कि मैं जानता हूं कि हम सभी किसी गहरी वेदना से गुजर रहे हैं। पुलवामा में जो हुआ उसे लेकर आपके आक्रोश को मैं समझ रहा हूँ। जिन परिवारों ने अपने लाल को खोया है उनकी पीड़ा मैं अनुभव कर सकता हूँ। इन शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। आतंकी संगठनों ने, आतंक के सरपरस्तों ने जो गुनाह किया है वो चाहे जितना छिपने की कोशिश करे, उन्हें सजा जरूर दी जाएगी। महाराष्ट्र में कई परियोजनाओं का उद्घाटन करने के बाद पीएम मोदी ने जनता को भरोसा दिलाते हुए कहा कि जवानों पर विश्वास रखिए, गुनहगारों को सजा जरूर मिलेगी। इतना ही नहीं, उन्होंने जवानों को खुली छूट देते हुए कहा कि सैनिकों में और विशेषकर सीआरपीएफ में जो गुस्सा है वो भी देश समझ रहा है, इसलिए सुरक्षा बलों को खुली छूट दी जाती है। आतंकियों को सजा कब, कहां और कैसे दी जाए ये जवान तय करेंगे। पीएम मोदी ने देश के गुस्से को शांत कराने के लिए आश्वासन तो दे दिए, लेकिन सवाल उठता है कि देश के लिए नासूर बने आतंकवाद को नेस्तनाबूद करने की तारीख कब मुकर्रर होगी। टीवी लाइव की रिपोर्ट।